यहाँ पर काली खिला रहा है हमसर, सॉरी हमसर कह रहा हूँ, ये मेरे चाचा आ रहे हैं, इन्होंने देख लिया। और क्या हाल है? हाँ, ये क्या कर रहे हो? आशीर्वाद दे रहे बेटा। महादेवी था और वो दुनिया में नहीं है, उनका श्राद्ध है आज, तो हम उनके कैमरा बेच ही आए ना। हाँ, पापा जी की निशानी को बिगाड़े आए तो निशानी। हाँ, नीरज दीदी की उनकी वीडियो भी अच्छी आती है। तो गाइस अभी तो ग्रैंड एंट्री ऑफ तरुण भाई, ये देखो ये तरुण भाई आ रहे हैं, ये आ रहे गाइस गाइस। सो हे गाइस, हाउ यू, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप सब? अब जा रहे हैं जिम, सुबह सुबह आए हैं, कल भाई का बर्थडे था, सो हैप्पी बर्थडे टू यू भाई, क्या हालचाल आप सभी? हैप्पी बर्थडे टू यू भाई, क्या हालचाल आप सभी के? तो गाइस ऊपर जा रहे हैं, पार्टी दी है उन्होंने, पार्टी दी है उनको, बोल रहा हूं भाई पार्टी को उसको दिला दो, भाई भाई को उसको दिलाओ, जो आप कह रहे हैं वो खा जाए, लेकिन पेस्ट्री खा लेना और पनीर टिक्का खा लेना और गरम चाय पी लेना, जलेबी खा लेना। आप एक काम करो, मेरे को चाय और फैन खा लो, ठीक है? अभी वापसी में मैं आपको धन, ठीक है? चाय और फैन, पार्टी हो जाएगी, चलो मिलते हैं अंदर। ये देखो तो गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हो आप सब? आज हमारी मनपसंद की मेरी गोभी आलू बनी है कुकर वाली यरी, और आज हमारी दादी का है श्राद्ध, तो श्राद्ध के उपलक्ष में ये देखो अंदर से चिल्ला रहा है। हाँ भाई बोलो। हाँ भाई गुल्लू चिकू वैसे हंसी हो, हंसी हो बड़ी हंसी हो। अरे बात बोलूं भाई, हाँ ये गोभी ना ज्यादा खास नहीं लगती कुकर की, जो कढ़ाई में टेस्ट है ना वो गोभी इसमें वाली। तो गाइस आप जरूर हमारे को बताना कि गोभी आलू कौन सी अच्छी लगती है आपको, या तो कढ़ाई वाली या कुकर वाली। मेरी फेवरेट तो कुकर वाली, कुकर वाली कढ़ाई वाली, कढ़ाई वाली, कुकर वाली कढ़ाई वाली, कुकर कढ़ाई कढ़ाई वाली, एक वोट है सिर्फ। तो गाइस अभी देख रहे हो जिस तरीके से यहाँ पर उषा भाभी आटा गूंद रही हैं और नीरज भाभी भी आटा गूंद रही हैं, ये दोनों से पूछना चाहूंगा कि तुम किस उपलक्ष में आटा गूंद रहे हो बेटा? आज ना दादी, आज दादी का श्राद्ध है, है? दादी का श्राद्ध है, तो उस खुशी में कि भाई मतलब कि उनका, मेरी दादी का नाम महादेवी था और वो दुनिया में नहीं है, उनका श्राद्ध है आज, तो हम उनके उपलक्ष में आज हम अपनी दादी को मनाने के लिए कर रहे हैं पूड़ी आलू गोभी की सब्जी खीर, क्योंकि श्राद्ध करना भी पितरों को मनाना ही बहुत जरूरी है भैया, और अपने पूरे मन से कोई भेदभाव रखते हुए हम कुछ भी नहीं कर रहे, सिर्फ अपने मन से अपनी दादी को पूज रहे हैं। हमने अपने बाबा का श्राद्ध भी करा, पापा का श्राद्ध, बोलो। इंसान जीते जी तो इंसान खाता है ना, और जो अगर इंसान खत्म हो जाता है तो उसको भी शमशान घाट ले जाती जाता है, भी लगा दिया जाता है ना, मिट्टी बन गया शरीर, राख हो गया, और जो उनकी हड्डी पसली है उनको फूलों के रूप में दिया जाता है, तो उनको गंगा जी में सड़ा दिया जाता है, और जो आत्मा होती है वो क्या होता है, वो इंसानों में घूमती रहती है, अगर प्राण तो जब ही निकलते हैं ना, जब इंसान में जन्म लेने के लिए बच्चा होता है, तो फिर ये शराब वगैरह ये समझ में नहीं आता कि किसके लिए होता है। 50 रुपए का गया पापा वाला कैमरा, देख दिया ये रहा, अरे रख लो, एंटिक चीज है वो, 50 रुपए को मना कर दो ना, बेटा भी आ रहा हूँ, जरा कैमरा कबाड़ी वाला कौन है देखूं जरा। क्या रख लो, क्यों खराब तो खराब पड़ा है? हाँ। 50 रुपए का खराब ही तो पड़ा है, रखी रहेगी चीज तो है भी क्या, कुछ तो दे दो, तुम दे दो 50 रुपए, सब काम लाओ 100 रुपए दो फिर, नहीं आएगा भैया, अरे आ जाएगा वहाँ से, माल ले जाते हैं कभी किया
दो दब 70 दे दो, चलो 70 दे दो, ऐसे नहीं 50 रुपए का रिक्स है, देखो 10 रुपए कबाड़ा में नहीं है, फिर भी आप 50 रुपए देके जा रहे, 40 रुपए। अब क्या करोगे इस 50 रुपए का, बेकार में चीज बेच दी, रखी तो हुई थी वो, रखी हुई थी, क्या रखी हुई थी, टूट रहा है। तो देखो शाहरुख खान आ रहे वहां, मैं दिखा दिया। हां बताओ क्या कहना चाह रहे थे, क्या पूछ, कैमरा बेच ही आए ना। हां पापा जी की निशानी को बिगाड़े आए, तो निशानी हम नहीं है क्या, पापा के इतने बड़े बड़े चार ऊंट करके पैदा छोड़ रखे है, तो उनकी मतलब तुम ही निशानी चलो, कुछ और निशानी नहीं चल सकती उनकी। निशानी है तो मैं ये कह रही थी, तो फिर ये शराद क्यों होता है, मुझे ये शराद इसलिए होता है क्योंकि ये पंडित जब इंसान तो रहता ही नहीं है, तो ये कुछ अब देखो इसको तो हम कुछ नहीं कह सकते। अब कमेंट करके सभी बताना कि मैं अगर गलत कह रही हूँ या सच कह रही हूँ, इस बात को जरूर ध्यान देना मेरी बात को, ये सच है या नहीं है। तो गाइस अभी यहाँ पर सिलाई हो रही है हमारे यहाँ पर ना, और जिस तरीके से आप देख रहे हो बच्चे दोनों, तो यहाँ पर सिलाई मशीन लगा रखी है घर में। क्या सिल रही हो भाभी? छोटे बाबू का तकिया। छोटे बाबू का तकिया, राई का। इसका सरसों मंगाई है मम्मी ने, तो मगर राई सरसों जो भी है, क्या भाई सरसों? हाँ सरसों के तकिया, सरसों का तकिया। हाँ, तो गाइस इसकी खोपड़ी टेढ़ी मेढ़ी हो रही है, उसके लिए वो बन रहा है सरसों का तकिया, और ये चीकू और ये काव्या दोनों खेल रहे हैं, दोनों बन जाएंगे क्लैपिंग, 1 2 3 स्टार्ट क्लैपिंग क्लैपिंग। अब नाच के दिखाएंगे, तीन की गिनती में नाचेगा, डिंग टड़ा टिंगड़ा 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 अरे इधर तो आओ भाई, एक मिनट दिखा दो ना। अरे क्या दिखा दो? अरे वो बच्चा बुला, अरे आशीर्वाद दे दो, अरे बच्चा बुला, इनका विराट बेटा। इधर तो आओ, बुला रहे हैं क्या? कौन बुला रहा है? मेरे को कोई नहीं जानता है। हाँ तो गाइस आज अभी मैं आया था 2 बजे घर पे अपने लंच करने के लिए, तो मेरी थाली रितु ने ये लगा के दिया, मेरे को रायता दिया है, ये मैं खाऊंगा नहीं, आलू की सब्जी बहुत लगा लगा के खाऊंगा, और ये है बंद गोभी, बंद गोभी नहीं आलू गोभी, और ये पूड़ी। मन तो नहीं कर रहा खाने का, अब क्या करें, खाना पड़ेगा, प्रसाद आना। चलो और क्या हाल है, हाँ? गुंडा है तू? ओए ओए इधर आ, सुनता ले एक मिनट, आज कैसा रहा दिन आपका? चल जा जाओ जाओ, चलो दोनों जाओ। तो गाइस यहाँ पर विमल भाई जा रहे हैं भानु को खाना देने, भाई मैं नहीं जा रहा, आप जा रहे हो। तो गाइस यहाँ पर रिक्शे में विमल भाई बैठ चुके, भैया सुनो इनको थोड़े दौरे आते हैं, तो ध्यान से छोड़ देना इनको, ठीक है ना? हाँ मुझे फोन कर देना आप, दोरे आए तुम्हें, मेरे को जो आए दोरे है, दोरे आते हैं, बाय 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 बाय। तो गाइस मेरे चाचा आ रहे हैं, देखो मेरे चाचा आ रहे हैं, गाइस देख रहे हो, मैं इनका इंतजार कर रहा था कितनी टाइम से, देखो मैं इतने ऊपर से वीडियो, ये मेरे चाचा आ रहे हैं, इन्होंने देख लिया, ये आ रही है मेरे चाचा, चाचा तो गाइस बने रहो। चाचा राम राम। अब तुम्हारे चाचा एक ही कपड़े हैं, एक ही कपड़े हैं, नहीं पहन गया तुम? मुझे तो कल पहने हुए तुम, अच्छी लग रही पहने हुए। अभिनंदन, आभार, शुक्रिया मोहतरमा मुस्ताफुरुल्ला।
तो गाइस जिस तरीके से देख रहे हो सफ़र में आया हुआ आदमी पहले मुंह धोता है, उसके बाद फिर मेरे पैर छुएंगे, अभी आशीर्वाद मिलेंगे। एक तो उनका माथा बहुत बड़ा है ना, बाल नहीं है सर पे, तो पर तक माथा जाता नहीं। ये देखो जिस तरीके से देख रहा है, ये देखो अब इनको मिलने वालों की भीड़ लग जाएगी। दो दिन से इंतजार कर रहा हूँ, आप तो सब कुछ मौजूद हो मेरे। तो गाइस चाचा टन तो चाचा इस तरीके से हमारे तैयार हो रहे हैं। मैं एक एक चीज दिखाऊंगा चाचा की, क्योंकि बहुत दिनों बाद आया ना। अच्छा आधी देख, तो अभी चाचा आ गए हैं, ठीक है। मैं 3,000 रुपये दे रहा हूँ। एक तो उनके कपड़े चेंज करवाओ, कपड़े, और इनको जो खाना है जो पीना है महंगी से महंगी इनको तुम्हें शोक मोज कराने हैं। आज इनका दिन है, हाँ इनकी मसाज करवाया होगा। जाओ चाचा आप प्लीज। तीन हजार रुपये ले लेना। अभी तो कह रहे खुद दे रहा हूँ, अब कह रहे 3,000 इनसे ले लेगा। मिलो छूलो ना पैर, छूलो पैर। अरे कल हुआ है भाई पेंट तो। ये घूम कहा था गोपाला तो नीचे मच्छर बच्चर। गाइस अभी चाचा को चाय बनवा के दिया, चाचा को चाय पिलाने के बाद बिस्कुट खिलाऊंगा, बिस्कुट खिलाने के बाद चाचा को गले में पट्टा डाल के फिर लेके जाता हूँ। गई देखते हैं चाचा से चलते हैं, चाचा को बोलेंगे चाचा चलो चलते हैं, बोलना चाचा को। अरे गाइस यहाँ पर काली खिला रहा है हम सर, सॉरी हम सर कह रहा हूँ, आशीर्वाद तो दे दो, शादी हुई है मुझे निकाल के बात करिए। तो भाई सिद्धू मूसे वाले का दिल्ली में, मैं चाहूंगा भाई से 2 मिनट के लिए कुछ सिद्धू मूसे वाले की एक्टिंग करके दिखाएं। जो जलेबी खाई ना अभी, मेरी कुतिया मर गई थी, उसने शराब की हो। सिद्धू वाला तो करता ही नहीं आते हर जगह। तो गाइस भाई ने छोले भटूरे खाए और हीरा हीरा जी से आप कुछ कहना चाहेंगे? आशीर्वाद दो, आशीर्वाद दो। देख रहे हो फैन फॉलोइंग दिल्ली में। हेलो गाइस, आज का ब्लॉग हम यहीं पर समाप्त करते हैं, कल हम मिलेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, सब्सक्राइब करने के बाद आपकी दुआओं में, आपकी खुशियों में, आपकी सारी उम्मीदों में हम शरीक होते हैं। गाइस वाइज गुड नाइट, सब का खैर।